हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड ईडब्ल्यू यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, जिन्होंने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स जो कि MRS AFPA के एग्जाम्स दे के आए हैं, उनके लिए आज हम कट ऑफ की बात करेंगे। MRS AFPA का जो एग्जाम है 22 जन संडे को लिया गया था, ठीक है, 2023 का। तो स्टूडेंट्स को इस चीज की काफी क्यूरियोसिटी रहती है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, मेरिट लिस्ट में क्या उनका नाम आ पाएगा कि नहीं आएगा। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो स्टूडेंट्स एग्जाम देने गए थे, उनके लिए बड़ी अच्छी न्यूज है यहाँ एग्जाम की, कि यहाँ पर इस बार जो एग्जाम है उसमें इनको 3 आवर्स मिले हैं, जबकि लास्ट ईयर इसमें 2.5 आवर्स थी, ठीक है। तो 3 आवर्स, आधा घंटा ज्यादा मिलने की वजह से स्टूडेंट्स अच्छी तरह से क्वेश्चंस को देख पाए हैं। तो क्वेश्चंस वही हमारे पास 150 क्वेश्चंस थे, जिसमें फर्स्ट 40 क्वेश्चंस इंग्लिश के थे, नेक्स्ट 41 से 120, 80 क्वेश्चंस तक किसके थे, मैथ्स के थे, और फिर उसके बाद 30 क्वेश्चंस नेक्स्ट किसके थे, 30 क्वेश्चंस जो नेक्स्ट थे वो SST के थे, ठीक है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि 150 में फर्स्ट 40 क्वेश्चंस इंग्लिश के, 41 टू 120 क्वेश्चंस मैथ्स के, और लास्ट जो 30 क्वेश्चंस थे 121 से 150, ये 30 क्वेश्चंस किसके थे, SST के थे। तो अगर हम पेपर के बारे में बात करें तो पेपर कंपैरेटिवली इजी था, इंग्लिश का पार्ट वो इजी टू मॉडरेट था, और जो मैथमेटिक्स के पार्ट की बात करें जो कि 80 क्वेश्चंस थे, मोस्टली स्टूडेंट्स को दिक्कत क्या आती है, कैलकुलेशंस में आती है, तो ज्यादा कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चन नहीं थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, ज्यादा उनको मोल्ड करके भी नहीं डाला हुआ था क्वेश्चंस को। 3-4 क्वेश्चंस थे, जैसे कि कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो की बात करें तो रेशो एंड प्रपोर्शन के क्वेश्चंस थे, जो थोड़े से लेंथी थे, ट्रिकी थे। अदरवाइज जनरली हम बात करें तो जो मैथमेटिक्स का पार्ट था वो ईजी था, ठीक है, और SST का पार्ट भी ओके था। तो ओवरऑल जो पेपर था वो इतना डिफिकल्ट नहीं था। तो स्टूडेंट्स अंडर प्रेशर कैसे काम कर रहे थे वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन पेपर कंपैरेटिवली इजी था और हाफ एन आवर स्टूडेंट्स को ज्यादा ही मिला है, ठीक है। लेकिन यहाँ एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग थी, ठीक है। अगर किसी का ठीक क्वेश्चन है तो उसको 4+ मिलने हैं, और किसी का अगर गलत है उसके लिए -1। तो जब नेगेटिव मार्किंग रहती है और पेपर का प्रेशर तो सभी स्टूडेंट्स पे होता है, नर्वस भी होते हैं स्टूडेंट्स, तो जब हम नेगेटिव मार्किंग में बात करते हैं कट ऑफ की, तो ऑलमोस्ट सभी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं तो 60% तक कोई अगर बच्चा स्कोर कर लेता है तो हम कहते हैं सेफ है, ठीक है। तो यहाँ जो पेपर था वो 600 मार्क्स का पेपर था, तो 600 का अगर हम 60% देखें तो अप्रॉक्स जो है हम कह सकते हैं कि अप्रॉक्स 360 मार्क्स, अगर कोई स्टूडेंट 360 मार्क्स स्कोर कर लेता है तो उसके काफी ब्राइट चांसेस रहेंगे कि वो मेरिट लिस्ट में आ जाए। तो यहाँ अगर हम सीट्स की बात करें तो टोटल सीट्स जो है वो 48 सीट्स हैं, ठीक है। तो 3 times स्टूडेंट्स को कॉल करते हैं इंटरव्यू के लिए, अप्रॉक्स यहाँ पर भी हम बात कर सकते हैं कि 150 स्टूडेंट्स को कॉल आ जाएगी इंटरव्यू की। तो स्टूडेंट जिन्होंने 400+ स्कोर किए हैं वो तो पूरी तरह सेफ है, लेकिन यहाँ मार्क्स की अगर हम बात करें तो जो मेरिट लिस्ट आती है वो मार्क्स उसमें मेंशन नहीं होते हैं, ये तो आप लोगों ने खुद ही आंसर की के साथ मैच करने हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स 360+ में जा रहे हैं तो उनको कॉल आने के काफी ब्राइट चांसेस रहते हैं, और जो 400+ हैं तो उनको तो चांसेस पूरे पूरे ही हैं कि 150 स्टूडेंट्स में उनकी कॉल आ जाएगी। तो नेक्स्ट जो इंटरव्यू का पार्ट है उसके लिए वो 150 कैंडिडेट्स को बुलाएंगे, जिसमें 48 की सिलेक्शन होगी फाइनली, जिनको वो ज्वाइन करवा लेंगे। तो यहाँ जो क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस जितने भी थे वो हमने यहाँ एजुकेशन वर्ल्ड की क्लासेस में ऑलमोस्ट उसी टाइप के, उसी पैटर्न पे क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए थे, इसलिए जो स्टूडेंट्स यहाँ पर कोचिंग में थे तो मुझे नहीं लगता उनको कोई दिक्कत आई होगी एग्जाम में। तो स्टूडेंट्स आप लोगों के जिनके भी 60%+ नेगेटिव मार्किंग के बाद 60%+ स्कोर आ रहा है, उनके काफी ब्राइट चांसेस हैं कि उनको इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी। तो यहां पर मैं फिर से यही बात कहूंगी कि मेरिट लिस्ट में
मार्क्स नहीं आती हैं, मेरिट लिस्ट में नाम ही आएंगे स्टूडेंट्स के, उन्होंने अपने हिसाब से ही अंदाजा लगाना है। एंड में हम लोगों को प्रॉपर इंटरव्यू के मार्क्स ऐड करके पता लगता है कि यहाँ पर हमारा क्या स्कोर रहा था। तो स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट, और नेक्स्ट इंटरव्यू की प्रेपरेशन के लिए हम फिर से बात करेंगे। अगली अपडेशन के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, और जिन्होंने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू।